वो कौन से नबी थे जिसके बाल फरिश्तों ने काटे थे? कायनात की चार अफजल खातूनें, उन चार खातूनों का नाम बता दीजिए। वो कौन सा बच्चा है जिसने अपनी वालदा की गवाही खुद दी थी? जब वो कौन से नबी थे जिनकी रूह छोटे आसमान पे कब्ज़ की गई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर आपका नाम? खादिम हुसैन। मोहम्मद इलियास। अब्दुल्ला। शब्बीर इकदार। शब्बीर इकदार। इकदार। शब्बीर भाई क्या करते हैं आप? मैं फिशरी में जॉब करता हूँ। फिशरी में जॉब करते हैं, अच्छा। स्टडी वडी की मसला? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। शब्बीर भाई हमारा कॉन्टेक्ट इस्लाम से रिलेटेड है। बिल्कुल। इजाज़त चाहिए आपकी? बिल्कुल इजाज़त है। इजाज़त है। अच्छा, जब वो कौन से नबी थे जिनकी रूह छोटे आसमान पे कब्ज की गई? हज़रत ईसा अलैहि सलाम। हज़रत मूसा अलैहि सलाम। ये तो पता होगा यार, थोड़ा इजी सवाल है। नहीं पता, एक मिनट। उनकी अगर ये पता ना हुआ तो हम फिर फर्ज की तरफ जाएंगे, फिर फर्ज का टेस्ट बाकी है आपका। कौन से नबी थे? आप बता दें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी थे जिसके बाल फरिश्तों ने काटे थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जोर बोलिए थोड़ा सा, मतलब अंदाज़ा लगाओ एक थोड़ा सा माइंड के ऊपर। नहीं मालूम। आप बता दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बता दूँगा जी। आप बता दें। थोड़ा सा गलत दे देंगे तो गुनाह मिलेगा। आई डोंट नो, नहीं पता। आदम अलैहि सलाम के बाल फरिश्तों। कायनात की चार अफजल खातूनें, उन चार खातूनों का नाम बता दीजिए। मैंने इतना वो कर दिया कि चार है टोटल इसमें से तो मतलब आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। चार औरतें सबसे अफजल है। सबसे अफजल सारी औरतों में से सबसे अफजल ये चार औरतें। यार एक का नाम तो बता दो। माँ जो नहीं ना, कायनात की सबसे अफजल खातून है वो चार, पूरी कायनात की। नहीं पता। कायनात की चार अफजल खातून, जन्नत की भी और दुनिया की भी चार वो अफजल है, सबसे अफजल खातून वो चार है। हजरत बीबी आमना, फातिमा। एक आयशा, हजरत आयशा। माइंड में तीन बाकी रह गई। आना तो चाहिए था यार। नहीं आ रहा माइंड। अच्छा। सर चार अफजल खातून तो आपकी अपनी क्राइटेरिया होगी, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है और मेरा जो नुक्ते नज़र है उसमें बीबी फातिमा का नाम आता है, बीबी मरियम का नाम आता है, और जो फ़िरौन की वाइफ थी उसका यस, और मेरा ख्याल में शायद बीबी आयशा हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरवाली है। फातिमा का नाम भी है, हज़रत ईसा अलैहि सलाम की वालदा मोहतरमा मरियम अलैहि सलाम का भी है, और फ़िरौन की बीबी का भी है, और तीसरी चौथी जो है ना वो एक आप। चलो पास करते हैं इसको। पास कर रहे हैं। पास कर रहे हैं। नबी करीम सल्लम की पहले घरवाली कौन सी थी? बीबी खदीजतुल कुबरा थी ना। खदीजतुल कुबरा। ये चार अफजल खातून। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो कौन सा बच्चा है जिसने अपनी वालदा की गवाही खुद दी थी? बीबी आयशा के बेटे। नबी भी थे वो। नबी भी थी वो। मोहम्मदी पैगंबर थी। आमना की बेटे। बीबी आमना।
इससे 500 साल पीछे जाओ, 500-600 साल पीछे जाओ, 600 साल। अफजल खातून में भी, अफजल में है, अफजल खातून में से इसका बेटा है, अफजल खातून में से इनका बेटा है। आसमानी किताब भी नाजिल है उन पे, वो तो पता है। जिसने अपने वालदा की गवाही दी थी, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही दी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने वालदा की गवाही दी थी। बिल्कुल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी गवाही दी अपने वालदा की। ये भी नहीं बात। वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के फ़राइज़ में आपको बता देता हूँ। कितने? सबसे पहले हाथ। फ़राइज़ कितने? वज़ू के फ़राइज़ कितने? चलो गिनवा दो। हाथ धोना, एक कुली करना, नाक के अंदर पानी डालना। क्यों? वजू ये तो हाथ धोते हैं ना, उसके बाद मुंह धोना, चेहरा। फर्ज कितने? फर्ज कितने? चार है ना वो तो। हाँ चार है, चार फर्ज के, वजू के चार फर्ज है। कौन कौन से? तो हाथ धोना पहले, चलो एक, उसके बाद फेस चेहरा धोना, दो, उसके बाद कुली करना, नहीं नाक की नरम हड्डी तक पानी डालना, सर का मसा करना, तीन। तो वो तो बंदा करता है तो। उसके बाद सर का मसा करना सही तरह, तीन। और चेहरा धोना तीन बार, उसके टोटल चार फ्राइज है। पहले हाथ है, चेहरा है, तीसरा मसा है, ठीक है।